नमस्कार सभी मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल उड़ता कबूतर में। दोस्तों अभी कुछ काम से मैं बाहर गया था और जिस कारण क्या हुआ मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। मुझे इन्फॉर्मेशन दोपहर में 2 बजे के आसपास मिली, तो जब मैंने न्यूज़पेपर खोल कर देखा, ई पेपर जो कि मैं घर पर नहीं था, तो ई पेपर खोल कर देखा तो उसमें लिखा हुआ था माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल ग्वालियर में 2.5 घंटे रुकेंगे और 2.5 घंटे रुकने के बाद लगभग 19,000 करोड़ रुपए का जो विकास कार्य हुए हैं उनका लोकार्पण करने के लिए आने वाले हैं। तो उसमें एक जो बहुत सारे कार्य थे उनका लोकार्पण किया जाना था, उसमें एक नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी हुई थी कि रेलवे संबंधित कुछ विकास कार्य का लोकार्पण भी करने वाले हैं। तब थोड़ा मेरे को समझ में आया कि यहाँ पे जो है वो ग्वालियर से श्योपुर के बीच में जो रेलवे लाइन जो ब्रॉडगेज कन्वर्जन हो चुका है उस पर मेमू ट्रेन चलाने की बात जो है हो सकती है। और उसी के बाद कुछ देर बाद मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया, उस नोटिफिकेशन में ये कन्फर्म हो गया कि कल यानी कि 2 अक्टूबर 2023 को कल जो है हमारे महात्मा गांधी जी का जन्मदिन भी है और उसी अवसर पर ये जो लोकार्पण किया जा रहा है ग्वालियर से लेके सुमावली के बीच में मेमू ट्रेन का, ये मेमू ट्रेन जो है अलग से कानपुर शेड से एकदम अलग रैक मंगाया गया है। इस रैक में कुल 8 कोचेस हैं और ये एक ही रैक रहेगा और इसी रैक को जो ग्वालियर से लेकर सुमावली के बीच में 6 बार चक्कर जो है इसके लगवाए जाएंगे। तो ये चक्कर कैसे कैसे लगवाए जाएंगे और इसका जो शेड्यूल है वो क्या रहेगा और कल के दिन क्या सबों के लिए अलाउ रहेगा या नहीं रहेगा, ये सब चीजें में जानकारी आपको इसी वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली दोस्तों अब सभी आप सभी लोगों का जो है इंतजार खत्म हो चुका है। जो सुमावली के और जो ग्वालियर के लोग डेली अप डाउन करने वाले थे उन लोगों का जो है अब जो इंतजार की घड़ी थी अब वो खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि कल ग्वालियर से लेकर सुमावली के बीच में मेमू ट्रेन का जो है फ्लैग ऑफ किया जाएगा, यानी कि हरी झंडी दिखाकर उसको रवाना किया जाएगा। कल ये फ्लैग ऑफ सेरेमनी जो रहेगी वो लगभग 3:30 पर रहेगी, यानी कि कल ग्वालियर से जो ट्रेन है 3:30 पर निकलेगी और सुमावली पर लगभग 4:10 तक जो है पहुंच जाएगी। तो दोस्तों ये जो मेमू ट्रेन है इसको अलग से कानपुर से मंगाया गया है और कानपुर से मंगाने के बाद ये जो ट्रेन है इसमें कुल 8 कोचेस होंगे, यानी कि पूरे एक रैक में 8 कोचेस होंगे और ग्वालियर से लेकर सुमावली के बीच में जो है एक ही रैक को 6 बार चलाया जाएगा। तो इस रैक को 6 बार चलाया जाएगा 3 अक्टूबर 2023 से और कल जो चलाया जाएगा वो एक स्पेशल ट्रेन रहेगी जो 3:30 पर ग्वालियर से निकलेगी। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद 3 अक्टूबर 2023 से ये ट्रेन है वो रेगुलर हो जाएगी और रेगुलर होने के बाद इसका जो ट्रेन नंबर रहेगा वो रहेगा 1893 और ये सुबह 7 बजे ग्वालियर से निकलेगी और सुबह 8:10 पे जो है सुमावली पहुंच जाएगी। फिर वहां से अगले राउंड में इसका नंबर चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा 1894। इसी प्रकार से चलते चलते ग्वालियर स्टेशन पे जो है आखिरी बार शाम को 6 बजे ग्वालियर पहुंचेगी। दोस्तों आपको सबको समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं कि कल आप हमको ग्वालियर के स्टेशन पे मिलेंगे। कल मैं ग्वालियर स्टेशन पे आऊंगा, लगभग 2 बजे के आसपास में आऊंगा अगर एंट्री मिली तो। वैसे पता नहीं है एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस बारे में मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं है। मैंने कई लोगों को फोन ला के पूछ भी लिया है तो उसके लिए अभी मुझे कुछ कंफर्मेशन नहीं है, वो मुझे स्टेशन पे जाके ही सब कुछ समझना होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों ये वीडियो जो है मैं बाहर अभी मतलब घर भी नहीं पहुंचा हूं और बीच रास्ते में ही मैंने इस वीडियो को जो है वो रिकॉर्ड किया है। आपको थोड़ा सा मेरी आवाज में अंतर समझ में आ रहा होगा, इसलिए जो मैंने खबर सुनी और मैं आपको खबर बताने वाला था उसके लिए जो डिले हुआ है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम जो थे बाहर थे और हम ध्यान नहीं दे पाए थे। तो दोस्तों चलिए अब हम कल मिलते हैं आपको, कल सुमावली मिलेंगे और ग्वालियर मिलेंगे। ट्रेन से बैठ के सुमावली तक आने का हम पूरा पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, कल ही मिलेंगे आपसे लाइव वीडियो में। लाइव के साथ साथ एक मस्त वीडियो जो लेके आएंगे जिसमें हम पूरा रूट कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तक के लिए नमस्कार, जय भारत।
हो सकता है दोस्तों वीडियो में कुछ किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिसिंग रह गई हो, या हो सकता है किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वीडियो में मैंने बोलने में कोई दिक्कत कर दी हो, और दोस्तों माफ कर देना, मैंने बिना स्क्रिप्ट किए हुए इस वीडियो को बनाया है और जिसमें मैंने किसी को कोई दिमाग नहीं लगाया था। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार।